स्पेशली अगर आप एक पब्लिक फेस हो तो लोग तारीफ करते हैं आपकी, लेकिन आपको एक रियलिटी चेक देने वाले आपके आसपास होने चाहिए। कई लोगों के होते हैं 15-15, 20-20 लोगों का फ्रेंड सर्कल होता है। मैंने कहा यू नीड टू रियलाइज कि लाइफ में इतने ज्यादा दोस्ती आप निभा नहीं सकते। द नेशन वांट्स टू नो या कि आपकी अगली YouTube वीडियो कब आएगी। आउट ऑफ एवरीवन यू आस्क्ड मी दिस। अच्छा, आजकल एक वर्ड बड़ा प्रचलित है, हालांकि आप कंटेंट क्रिएटर हैं, एक्टर हैं, इन्फ्लुएंसर। इट्स अ वेरी ओवरयूज्ड टर्म एंड उसके मायने बदल चुके हैं, अब तो बहुत बदल चुके हैं। बट पहले इन्फ्लुएंसर बोलते थे कि आप कैमरा पे आएं, आप दो बढ़िया बातें करें, 10 लोग बोले कि हाँ हम भी ये ट्राई करते हैं। म्यूजिक बजाने से शुरुआत हुई, 500 रुपए से 12-8 की शिफ्ट। कह रहे तेरे में एक स्पार्क है, तू कुछ भी कर लाइफ में, आई विल सपोर्ट यू। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो। और वो वीडियो फिर जब मैंने बनाया तो मेरे परिवार में 5 लोग उस वीडियो पे आए, 10 व्यूज। अब मैं बड़ा हैरान हो गया, मैंने कहा 5 तो घर के हैं, बाकी 5 कौन है? क्योंकि मामा लोग ऐसे होते हैं कि मामा को अपनी बहन और अपने भांजे को छोड़ के सब पागल लगते हैं। तो मामा कह रहे ए बेटा ये मैं ही हूँ। मैंने कहा कौन? ये जो तूने बनाया अभी टीटू। मैंने हाँ आप ही हो जोरदार, बहुत बढ़िया। मेरे को लोगों ने दिखाया। इंडस्ट्री में हैं काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, पर आई फील इट्स अ प्लस पॉइंट दैट देर इज समवन इन योर लाइफ टू जस्ट कीप यू सॉर्टेड। भुवन भाई, इस सेशन का नाम, इस कॉन्क्लेव का नाम इम्पैक्ट मेकर्स है, और आपका इम्पैक्ट क्या है सबसे पहले मैं ये आपको बताता हूँ। क्यों आप यहाँ पे बैठे हैं? मेरे बॉस हैं सुनील गोस्वामी, उन्होंने मुझे बुलाया कैबिन के अंदर कि यार भुवन बाम क्या काम कर रहा है यार, उसको बुलाते हैं। मैंने कहा वो बहुत सेलेक्टिव है यार, मतलब मैं ट्राई कर सकता हूँ इफ विल कम और नॉट, बट ही वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई योर वर्क। मतलब हम तो नहीं इम्प्रेस कर पाए पिछले 5-7 साल में, मतलब इज वेरी हार्ड टू इम्प्रेस। एम आई राइट टीम मेंबर्स? मेरे टीम वाले कम होंगे, निकलेगा भी नहीं ना उनके मुंह से। सो दैट्स हाउ यू केम। तो ये आपका इम्पैक्ट है जो कि यूट्यूब से स्टार्ट हुआ, फोन वाले वीडियोज से, जो हिलता हुआ कैमरा, पीछे हिलता हुआ फ्रेम, सब कुछ, एंड देन आज ताज़ा खबर तक पहुंच गया। सो सबसे पहले तो शुरुआत से शुरू करते हैं, फिर ताज़ा खबर तो मिली गई है हमको कि भुवन को अवार्ड मिल गया। सो गाइस, सबसे पहले तो हाउ इज द जोश? इतनी लड़कियों ने मुझे पूरी जिंदगी में अप्रोच नहीं किया होगा जितनी ने आज अप्रोच कर लिया कि भुवन के साथ सेल्फी करवा देना। तो अगर भुवन नहीं देते हैं, सबका बहुत बहुत आभार। और पहली बात तो एक बार जोरदार तालियां एबीपी के लिए, जो कि इतना बढ़िया, मतलब इतने टैलेंटेड लोग एक रूफ के नीचे बहुत कम देखने को मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो बहुत मजा आता है देखने। हाँ बिल्कुल, और दो टैलेंटेड लोग स्टेज पर, ऐसा भी कमी होता है। भुवन, रेस्टोरेंट में म्यूजिक बजाने से शुरुआत हुई, 500 रुपए से 12-8 की शिफ्ट, 8-12 की शिफ्ट, तो वो दौर कैसा था? बहुत मज़ेदार, क्योंकि डिनर फ्री था। नहीं सच में, डिनर फ्री था वहाँ पे, और एक मुगलई रेस्टोरेंट था, और वहाँ पे मुझे मैं अपने ट्रियो के साथ, हम 3 जने वहाँ पे बैठ के वी यूज़ टू प्ले म्यूज़िक। और बहुत मज़ेदार चीज़ थी, क्योंकि जो हमारे वहाँ के मैनेजर साहब थे वो बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा तेरे में कुछ है। मैं घबरा गया पहले, मैंने कहा जी क्या? कह रहे तेरे में एक स्पार्क है, तू कुछ भी कर लाइफ में, आई विल सपोर्ट यू। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? कह रहे हाँ आई विल सपोर्ट यू, लेकिन मेक श्योर कि 8 बजे रोज़ यहाँ आए तू परफॉर्म करने। मैंने फिर मैं कुछ भी कैसे कर पाऊँगा? कह रहे तू कुछ भी कर, लेकिन 8 बजे यहाँ आ जा। फिर मोती महल के दौरान, वो रेस्टोरेंट का नाम था मोती महल, और वो उस मोती महल के दौरान बीबी की वाइंस जीवन में आ गया, और जब वो आया लाइफ में, फिर उसके बाद मैं एक दिन बड़ी हिम्मत जुटा के सर के पास गया। मैंने कहा सर मैं अब लगता है मुझे मैं कुछ और करना चाहूँगा लाइफ में। तो बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझे बोला कुछ भी करियो तू हमें नहीं भूलना कभी, देखो जो करना है तू कर, गॉड ब्लेस यू। और वहाँ से जो एक मुझे किक स्टार्ट मिला चीज़ करने का, और फिर फेसबुक आया, फिर यूट्यूब आया लाइफ में, और फिर ताज़ा खबर आया। तो बड़ा ही बहुत ही एक रोलर कोस्टर राइड है, और बहुत सारी बातें हैं जो ऐसे इतने कम समय में हो नहीं पाएंगी, बट कभी तबीयत से
बैठ के सुनाने पे आया तो है, लंबी स्टोरी है। नहीं नहीं है, कुछ कुछ मैं पूछूंगा। अच्छा, आप में से कितने लोग जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, रिपोर्टर्स बनना चाहते हैं? ओके, भुवन ने जो पहला वीडियो बनाया था ना, वो एक महान रिपोर्टर से इंस्पायर होके बनाया था, श्रीनगर में जब फ्लड आई थी, तो बताएंगे वो क्या किस्सा था ताकि वो गलती ये ना करें। हाँ, मतलब मेरे को लगता है एम्पैथी बहुत ज़रूरी है जर्नलिज्म में, खासकर आज के दौर में। और उस टाइम पे फ्लड्स आए थे वहाँ पे, और मैं देख रहा था उस टाइम, वो बहुत फनी वीडियो था, नॉट बिकॉज वो जो वहाँ चीज़ हो रही थी वो फ़नी थी, वो जो सिचुएशन थी और वो जो स्टेट ऑफ न्यूज़ था वो बहुत फ़नी लग रहा था कि मुझे ऐसे कैसे कोई पूछ सकता है ये सवाल। तो मुझे याद है मैं घर पे बैठा हूँ और फ्लड्स आए थे श्रीनगर में, और एक बेचारी आंटी यहाँ तक पानी में अपने बच्चे को ढूंढ रही है, और न्यूज़ रिपोर्टर भी उतना ही पानी में है जो नहीं ढूंढ रहे किसी को, वो माइक लेके घूम रहे हैं, और वो लेडी से पूछते हैं कि क्या हो गया, वो कह रही मेरा बेटा खो गया है, मुझे मिल नहीं रहा है। तो कह रहे कैसा लग रहा है आपको? मैंने कहा बाप रे, मैंने कहा ये तो बड़ा ही बहुत ही गलत सवाल हो गए। तो फिर उस पर एक सटायर वीडियो मैंने फेसबुक पे बनाया, और वो वीडियो फिर जब मैंने बनाया तो मेरे परिवार में 5 लोग उस वीडियो पे आए, 10 व्यूज़। अब मैं बड़ा हैरान हो गया, मैंने कहा 5 तो घर के हैं, बाकी 5 कौन हैं? तो उस खोज में मैं निकला, और उस खोज में मैंने वीडियोस बनानी शुरू की। और फिर वो जो मेरा पहला वीडियो था जो कि एक्चुअल सेंस में जो कहते हैं आजकल वायरल हुआ, वो बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इनकी यूनिवर्सिटीज़ में व्हाट्सएप के थ्रू वायरल हुआ। यस। तो जब जब मेरे फेसबुक पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हुए थे 2015 में, तब उस टाइम पे 9,99,000, मतलब 9,99,000 कम से कम फॉलोअर बाहर से थे, इंडिया से थे ही नहीं। तो मैंने कहा यार जहाँ खाना है, जहाँ की रोटी खानी है, जहाँ पे काम करना है, जहाँ से कमाना है, वहाँ का तो कोई देख ही नहीं रहा है, वहाँ तो देख ही नहीं रहा कोई। क्योंकि मेरे पड़ोसियों को, मेरे एरिया के लोगों को तक लगता था कि मैं कराची से हूँ, क्योंकि फेसबुक पे जो कमेंट सेक्शन था उसके अंदर सारे कमेंट्स इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पोखरा, ऐसी ऐसी जगहों से आते थे। तो मैं ढूंढता था शर्मा वर्मा कनौजिया, कहीं दिख जाए कोई नाम कोई कमेंट सेक्शन में, लेकिन दिखता नहीं था। फिर मेरे को लगा कि अगर ये लोगों को लग रहा है, क्योंकि कमेंट सेक्शन से ही जज कर रहे थे सारे कि अरे ये तो वहाँ का होगा। फिर मैंने इंटरव्यूज में बोलना शुरू किया कि मैं दिल्ली का हूँ, फिर सबने बोला अबे तू दिल्ली से है क्या? मैंने हाँ दिल्ली से हूँ। कह रहा अच्छा अच्छा फिर ठीक है। तो ऐसे फिर धीरे धीरे बता के मैंने अपनी जर्नी शुरू की, और फिर वो वैलेंटाइंस डे पे फिर आपने एक वीडियो बनाया था। हाँ, वो वीडियो जो वैलेंटाइंस पे मैंने बनाया था वो फिर इंडिया में बहुत लोगों ने देखा, फिर वहाँ से तो बताना नहीं पड़ा मुझे कि मैं दिल्ली से हूँ। पेरेंट्स मान गए इस बात को इजीली कि आप कंटेंट क्रिएटर ही बनना चाहते हैं, या फिर अब मतलब बात तक भी कहते रहे कि जॉब कर ले बेटा, क्योंकि काफ़ी बात तक आपने कहा कि उनका था कि भाई जॉब करनी है? नहीं, कुछ हद तक उनको कन्विंस करना मुश्किल था, पर उनकी गलती नहीं है। मतलब अगर आप 2015 में अगर अपने पेरेंट्स को बोलो कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो इट्स अ वेरी अनकन्वेंशनल प्रोफेशन टू गेट इनटू। हाउ डू यू कन्विंस योर पेरेंट्स कि मैं ये करना चाहता हूँ? उनकी तरफ से भी सही था कि ये होता क्या है, मतलब क्या करता है, वीडियो बनाएगा, पैसे कितने कमा लेगा, कब तक कमा लेगा? कल को यूट्यूब के मालिक ने बोल दिया कि अब हमने बहुत कमा लिया, बंद कर दो यूट्यूब, फिर क्या करेगा? जो कि लॉजिकल बात है, कितने प्लेटफॉर्म्स चलते चलते बंद हो जाते हैं, फिर आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा हाँ। तो कह रहे एक बैकअप के लिए सरकारी फॉर्म भर दे, बैंक के फॉर्म भर दे। मैंने कहा आप मुझे ये मैं कर लूँगा सब, लेकिन आप मुझे मेरी मर्ज़ी के 2 साल दे दो। मैंने आपकी तरह बाल रखे 12 साल स्कूल के, आपकी तरह बेल्ट कहाँ पहननी है, पैंट कहाँ पहननी है, वो सब किया, कौन से कपड़े पहनने हैं वो सब सुना मैंने आपकी बात। मेरे को केवल मेरे 2 साल दे दो, ताकि मुझे आगे चल के ये ना लगे यार मैं काश ये कर लेता एक बार कोशिश कर लेता। तो मैं इस बात के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे कोशिश करने दी, और फिर वो कोशिश करने दी क्योंकि उनको मेरे पे भरोसा था। तो मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि कितना सही है कि अगर बच्चे अपने माँ बाप को बताएं कि आप बस मेरे पे भरोसा रखो। हमें क्या चाहिए? हमें पेरेंट्स का ट्रस्ट चाहिए। अगर पेरेंट्स का ट्रस्ट आ गया अपनी तरफ, फिर कौन क्या बोलता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमें? तो पेरेंट्स का ट्रस्ट लेना बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे, और मैंने वो ट्रस्ट लिया, और फिर मैं भी लगा रहा, फिर वो भी खुश थे। अच्छा, आपने ट्राईपॉड क्यों नहीं यूज़ करते थे अपना वीडियो बनाने के लिए? कोई ट्राईपॉड मेरी हाइट जितना नहीं था उस वक्त, मतलब हाइट भी नहीं चाहिए, मतलब हाइट से भी ऊँचा चाहिए। तो जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ फ़ोन से, तो मैं फ़ोन ऐसे हाथ में रख के ऐसे बनाता हूँ वीडियो, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज़ होता है उसमें। और आप देखना मेरी ये उंगली मुड़ी हुई है, थोड़ी दबी हुई है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पूरा टाइम फ़ोन रह रहे के वो एकदम गड्ढा सा बन गया।
ट्राइपॉड का भी कभी ख्याल भी नहीं आया क्योंकि जीरो प्रोडक्शन वैल्यू पे मैं बनाना चाहता था सब कुछ हमारी तरह हम भी प्रोडक्शन वैल्यू थोड़ी रखते हैं कि बजट में रहे कि मतलब हो काम जाए। सही काम बढ़िया होना चाहिए मतलब आप किस पे शूट करते हो काम हम बढ़िया करते हैं मतलब लेकिन खर्चा कम करवाते हैं हाँ मतलब कम खर्चे में अगर बढ़िया काम निकले तो प्रॉफिट भी सही होता है आई थिंक बॉसेस विल एग्री टू दिस बाकी वो मुझे इस सेशन के बाद फीडबैक दे ही देंगे वुमन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपकी जिंदगी में किस चीज का रहा सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस चीज का रहा मेरे को लगता है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मेरी लाइफ में है जो लोग मेरे आसपास हैं उनका क्योंकि मैं बड़ा खुशनसीब रहा हूँ इस सेंस में कि मेरे एक तो जितने भी दोस्त बने जीवन में वो सब बचपन में बन गए जब मैं बेवकूफ़ था क्योंकि वो भी बेवकूफ़ थे जब दो बेवकूफ़ दोस्त बनते हैं तो वो साथ में मैच्योर होते हैं तो बहुत मज़ा आता है जीवन का रस वही है और हम बहुत बेवकूफ़ हैं सारे दोस्त हम पाँच जने और हम पिछले 22-23 साल से साथ में हैं सेम बेंच सेम स्कूल सेम क्लास सब कुछ सेम किया हमने कॉलेज में आते आते थोड़े बढ़ गए और अब सब अलग अलग शहरों में अपनी लाइफ जी रहे हैं लेकिन उनका मेरी लाइफ में होने का महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो कभी हाँ में हाँ नहीं भरते थे मेरे साथ कभी हाँ में हाँ नहीं भरी मतलब अगर आप कुछ भी करते हो तो इंटरनेट पे स्पेशली अगर आप एक पब्लिक फेस हो तो लोग तारीफ करते हैं आपकी लेकिन आपको एक रियलिटी चेक देने वाले आपके आसपास होने चाहिए इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि आपके दोस्त सही हैं कई लोगों के होते हैं 15-15, 20-20 लोगों का फ्रेंड सर्कल होता है मैंने कहा यू नीड टू रियलाइज कि लाइफ में इतने ज़्यादा दोस्ती आप निभा नहीं सकते फिर वो भीड़ हो जाती है बहुत आप वो नहीं कर सकते तो इसलिए हमेशा आपके आसपास कोशिश कीजिए कि यस मैन ना हो जो आपको बोले क्या काम किया यार क्या मजा आ गया यार क्या लग रहा है यार वाह यार भाई यार क्या यार ये नहीं चाहिए लाइफ में आपको चाहिए अच्छे अच्छे दोस्त जो आपको आपके पैर आपका दिमाग आपकी सोच सब कुछ न्यूट्रल रखें सब कुछ जमीन पर धरती पर रखें धरती पर बेसिकली ये ना बोले बड़ा भुवन बाम बन रहा है आपको जी जी ऐसे दोस्त नहीं चाहिए हाँ भाई तो ध्यान रखना जो ऐसे दोस्त हों तो थोड़ा सा चेक कर लेना उनको नहीं तो आप लोगों में से किसी को भुवन बाम बनने में दिक्कत होगी अच्छा आप भी अपने सवाल कुछ कुछ पूछ सकते हो तो जरा रेडी रखना और अपना हाथ ऊपर कर लेना आई विल ट्राई कि माइक आप तक भी आए अच्छा भुवन एक नहीं अच्छे अच्छे सवाल पूछेंगे सब ऐसा कुछ नहीं हाँ हमने किया था ना वो शो जी तो उसमें तो आपका स्किन केयर बहुत वायरल हो गया था आपने एक ब्रांड का नाम ले लिया था हाँ। वो आ रहा था कि भाई उस ब्रांड के शेयर ही ऊपर पहुंच गए हमें पहले पता होता तो हम भी उनसे कुछ डील वील कर लेते तो अभी आज नहीं लेंगे किसी ब्रांड का नाम जी एक भुवन एक अल्कोहल का भी आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट रहा आठवीं क्लास में जब आप थे तो आपने पापा की शराब की बोतल में से एक ढक्कन भरा और पी गए उसके बाद फिर जीवन में कभी दारू नहीं पिया आपने क्या वो इम्पैक्ट था फादर जब पिया करते थे बहुत कुछ आपने कहा है तो मैं चाहूँगा कि उसे भी आप शेयर करें बिकॉज बहुत सारे यंगस्टर्स हैं यहाँ पे तो कहीं ना कहीं उन तक पहुँचना चाहिए कि भाई इन सब चीज़ों के बिना भी ज़िंदगी है क्योंकि आजकल बहुत कुछ यंगस्टर्स के बीच में चलता है तो कहीं ना कहीं आप जैसा सक्सेसफुल बंदा अगर एक मैसेज देगा और बताएगा वो कहानी तो मुझे लगता है कि इम्पैक्ट होगा मैसेज क्या दे सकता हूँ मैं मतलब देखिए जिसने पीनी हो तो पिएगा ही कोई हाथ रोक नहीं सकता आपका मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ अति में करी हुई गलत है सिवाय प्यार के प्यार एक ऐसी चीज़ है जो आप खुल के जितनी मर्जी कर सकते हैं वो मैं आता हूँ अभी चौथी क्लास हाँ, में जो था हाँ हाँ वो आजकल सब वहीं आ रहे घूम फिर के तो अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है जो कि एज लॉन्ग एज मॉडरेटेड मात्रा में हो तो मेरे को नहीं लगता किसी का बुरा हो सकता है उससे पर अगर अति हो जाए अगर सुबह सुबह ही शुरू हो जाए अगर रोज़ का ही हो जाए तो मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम है क्योंकि आसपास मैंने बहुत अपने भी दोस्तों में उनकी फैमिलीज़ में भी देखा हुआ है मैंने ये सब तो हाँ होता है इट्स वेरी कॉमन हमारी इंडियन फैमिलीज़ में बहुत कॉमन है ये चीज़ अल्कोहल जब परिवार पे हावी होने लगती है इंडिविजुअल पे नहीं इंडिविजुअल को तो रियलाइज़ भी नहीं होता कि उन पे हावी हो गई पर अल्कोहल नेवर अफेक्ट्स द पर्सन हु इज़ ड्रिंकिंग इट ऑलवेज अफेक्ट्स द फैमिली मेम्बर्स तो हाँ मतलब कम मात्रा में की गई चीज़ सही है पर ज़्यादा तो गड़बड़ी है आपकी फैमिली को किस तरह से अफेक्ट किया था अल्कोहल ने कुछ नहीं किया था वो जैसे हर फैमिली को करते हैं बट वी केम आउट ऑफ इट एंड मज़ा आया फिर तो उसके 3-4 साल मस्त निकले फिर बिना अल्कोहल के और फिर सही था उसी 3-4 सालों में हमने बहुत सारी ट्रिप्स करी जो हम नहीं कर पाए उस चक्कर में उस दौर में फिर वो हमने ट्रिप्स करी जगह खूब सारी जगह घूमे सही है मतलब अगर वो एक चीज़ हटा दो तो फिर उसके बाद एवरी फैमिली इज परफेक्ट आई फील राइट
अच्छा, एक और जो आपका सपोर्ट रहा थ्रू आउट, जो फोर्थ क्लास से ही आपके साथ रहा, जिनके लिए आपने एक मोबाइल खरीदा और एक ईंट के पीछे छिपा दिया और उस ईंट के पीछे, ईंट के ऊपर लिखा था गुप्ताज, वो बताइए वो सपोर्ट किस तरह का रहा और जिंदगी में अगर ऐसा सपोर्ट हो तो इंसान कितना आगे जा सकता। वो सपोर्ट कैसा रहा? एक तो पहली बात उसको पसंद नहीं है जब मैं ये बातें करता हूँ, तो वो मुझसे पूछती है कि क्या तुम बोल नहीं सकते कि ये सवाल मत पूछा करो। नहीं, जेन्युइन क्वेश्चन है ना। सॉरी, मुझे भुवन भाई की टीम से कोई इंस्ट्रक्शन मिला नहीं था कि ये मत पूछना। जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि फिर क्योंकि दोनों पार्टीज उसमें इन्वॉल्व होती है, तो एक तरफ से अगर मैं बोलता रहूंगा तो फिर वहाँ थोड़ा गड़बड़ हो जाता है सीन। पर मैं इंपैक्ट का बताता हूँ आपको कि इंपैक्ट कैसा। हाँ, बस इंपैक्ट इंपैक्ट। हाँ, क्योंकि इंपैक्ट की बात हो रही है आज, तो मैं बता सकता हूँ कि बहुत अर्ली स्टेज में फिगर आउट कर लेना कि इस इंसान के साथ हम जीवन बिताना चाहते हैं, वो एक बहुत ही बहुत रियल फीलिंग है। इट्स अ वेरी रियल फीलिंग। ऑल्सो क्योंकि मैंने बोला कि बचपन में कैसे बेवकूफ़ थे, तो उन बेवकूफ़ों में वो भी बेवकूफ़ थी। अब बेवकूफ़ों के साथ, अब बेवकूफ़ी में अगर आप आगे बढ़ते जाओ साथ में, तो फिर आप गलतियां भी साथ करते हो, फिर आप वो आपके मोमेंट्स भी साथ निकलते हैं, वो फिर आप चीज़ें भी जो भी झेलते हो वो भी साथ में ही झेलते हो। और अब जब थोड़ी ऐसी एक स्टेज आ गई है जब साथ में घुमा फिरा जा सकता है, जब साथ में पेरेंट्स के साथ बात की जा सकती है, तो वो भी एकदम अथॉरिटी से आने लगता है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये सब साथ में ही हैं, बचपन से ही साथ में हैं, क्योंकि नाम तो बचपन से ही घर में है कि भुवन आ रहा है, भुवन आ रहा है, भुवन आ रहा है। तो आई फील कि वो एक उस चीज़ का ये इम्पैक्ट पड़ता है कि आप हमेशा अपना जो करंट काम है उसके अंदर फोकस्ड रहते हो, आप कभी इधर उधर चीज़ों में ड्वेल नहीं करते, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में मैं कोशिश कर रहा हूँ नाम बनाने की, उस इंडस्ट्री में हैं काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, पर आई फील इट्स अ प्लस पॉइंट दैट देर इज़ समवन इन योर लाइफ टू जस्ट कीप यू सॉर्टेड। बीबी की वाइंस कैसे शुरू किया था आपने, और सबसे जो ज्यादा लोग जानना चाहते हैं, सबसे फेवरेट टीटू मामा किस किस का फेवरेट है? टीटू मामा कैसे बना था? यार, टीटू मामा मेरे एक्चुअल कैरेक्टर है, एक्चुअल मामा है, आपके मामा एक्चुअल मामा है। टीटू मामा को पता नहीं था, एक तो जिन्होंने नहीं देखा बीबी की वाइंस, उनको एक कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि यहाँ इस टेबल पे मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने बीबी की वाइंस नहीं देखा। तो सर, बीबी की वाइंस एक मेरा यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर मैं 21 कैरेक्टर प्ले करता हूँ, और उसमें से एक कैरेक्टर है टीटू मामा, जो कि मामा जी हैं मेरे, एक्चुअल मामा हैं, उनका नाम वो नहीं है, वरना उनके पड़ोस में जितने भी लोग हैं वो धर लेंगे उनको। पर बीबी की वाइंस जब मैंने बनाया, तब मुझे नहीं पता था कि मैं ये कैरेक्टर्स करने वाला हूँ, पर एक दिन मुझे ऐसा लगा कि यार, अगर क्योंकि मामा लोग ऐसे होते हैं कि मामा को अपनी बहन और अपने भांजे को छोड़ के सब पागल लगते हैं, उनको लगता है मेरी बहन और मेरा भांजा सबसे बेस्ट है, मेरी भांजी सबसे बेस्ट है, ये मेरी फैमिली में तो होता है। तो मामा और मेरा रिलेशन बचपन से ही एक, वो भी एक थोड़ा डर भी लगता है मामा से कि कुछ गड़बड़ करूँगा तो और कोई बोलेगा नहीं लेकिन मामा डांटेंगे मुझे, लेकिन प्यार भी उतना ही करते हैं मामा। तो वही कैरेक्टर ट्रेट मैंने टीटू मामा में डाला, वो टीटू मामा कैरेक्टर में डाला। अब मैंने टीटू मामा कैरेक्टर बना दिया और मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं जो ये कैरेक्टर बना रहा हूँ ये मामा तक भी पहुँचेगा। तो वीडियो आया, फिर एक हफ्ते बाद मामा का कॉल आया मुझे, और मामा का मुझे कॉल आया 1.5-2 महीने बाद। तो मामा का कॉल आया मुझे, मैंने कहा हाँ मामा नमस्कार, क्या मनता? तो मामा कह रहे है बेटा ये मैं ही हूँ। मैंने कहा कौन? ये जो तूने बनाया अभी टीटू। मैंने हाँ, आप ही हो। जोरदार, बहुत बढ़िया, मेरे को लोगों ने दिखाया वो कैरेक्टर। मैंने कहा अच्छा मामा। फिर मामा मुझे हर हफ्ते एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते थे मेरे पास क्या? कि तू आज ये डाल, आज वीडियो में इसके बारे में बता, आज पता है क्या हुआ मेरे साथ। तो ऐसे करके वो मेरे को आइडियाज़ देने लगे टीटू मामा के। तो मेरे को लगा यार कितनी सही फैमिली में पैदा हुआ हूँ मैं, कि यहाँ पे सपोर्ट भी उतना है, सिखाया भी जा रहा है टाइम टू टाइम, और मामा एक ऐसा बंदा है जो जब भी मैं मामा के साथ कुछ भी शेयर करता हूँ, कोई भी लाइफ की अचीवमेंट, बहुत बढ़िया है बेटा लेकिन सीना चौड़ा और आंखें नीचे हमेशा। क्या बात? मैंने मामा ये ऑलवेज एक ताली टीटू मामा के लिए भी बनती है, मतलब सारे मामा कंस नहीं होते, कुछ टीटू भी होते। देखो, अप्रिसिएशन वही है जो कि क्लोज्ड रूम में
और आपकी पीठ पीछे की जाए, वही अप्रिसिएशन है। और मेरी फैमिली में सब ऐसी हैं, जब मैं कुछ भी शेयर करता हूँ उनके साथ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला मैसेज आता है एंड में, बाय बोलने से पहले, चल बेटा कॉन्ग्रेट्स, बस उससे पहले एक लाइफ का लेसन आता है कि ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर द फैक्ट दैट व्हाट यू हैव नॉट मेनी पीपल हैव, एंड डोंट फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड दिस इन द फर्स्ट प्लेस, एंड डोंट गेट लेट दिस गेट ओवर योर हेड। ये एक बेसिक सीख है, ये एक बेंचमार्क है कि यही है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है, ये याद रख ले, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। बिल्कुल, और मुझे लगता है ये हम सबको अप्लाई करना चाहिए अपनी जिंदगी में। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सबसे ज्यादा उतावला है क्वेश्चन पूछ, वो खड़ी हो गई है वो लड़की, हाँ माइक दे दिया जाए भाई इनको, नहीं तो स्टेज पे पहुंच जाएंगे। हेलो सर, सो सर एवरीवन हियर इज टॉकिंग अबाउट योर सक्सेस स्टोरी, बट आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द स्ट्रगल्स एंड फेलियर्स ऑफ योर लाइफ। ओके, ये क्वेश्चन ना बहुत ब्रॉड है, मतलब इस पे एक घंटे का चर्चा हो सकती है, बट मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि मेरे को क्या, मेरी क्या फील है इसके बारे में। सब लोग पूछते हैं कि आपका स्ट्रगल कैसा रहा, मेरे को पहली बात तो ये लगती है कि स्ट्रगल कभी ख़त्म ही नहीं होता है। मतलब इतने मुझे DMs जब आते हैं, जब किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी कोई कमेंट आता है तो सब बोलते हैं यार तेरी तो लाइफ बन गई है, विच आई डोंट, मतलब मैं उस बात को मना नहीं करता, मैं डिसअग्री नहीं करता उस बात पे, वो कहते हैं कि तेरी तो लाइफ बन गई, तेरी ऐश ही ऐश है। ये ऐश ही ऐश है ना, ये इक्वेलेंट ऑफ कि 12th कर लो उसके बाद ऐश ही ऐश है। एक वो स्कैम था कि 12th कर लो उसके बाद ऐश है, और एक ये स्कैम है कि जैसी कुछ आपने अचीव किया लाइफ में लोग कहते हैं ऐश ही ऐश है। मेरे को लगता है स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इफ यू आर गेटिंग इनटू जर्नलिज्म, स्ट्रगल विल नेवर एंड, उसके मायने बदलते रहते हैं। जैसे मेरे लिए जब मैंने शुरू किया था तो मेरे लिए स्ट्रगल था कि मैं कैसे इस पर्टिकुलर कैमरा से वीडियो कर लूँ रिकॉर्ड, क्योंकि मुझे आता नहीं था, आई वॉज नेइव, बड़ा एमेच्योर तरीके से मैंने उसको रिकॉर्ड किया और अपलोड कर दिया, सीख सीख के, दूसरों से सीख सीख के अपलोड कर दिया। फिर अगला स्ट्रगल आया लाइफ में कि ये लोग देखेंगे कैसे, ये वीडियो पहुँचेगी कैसे लोगों तक, वो फिर डिस्कवरी हो गई, वो फिर लोगों ने देख लिया। फिर स्ट्रगल आया कि लोग अब इसके बाद में जो करूँगा वो पसंद आएगा नहीं आएगा, फिर वो एक स्ट्रगल था। फिर उसके बाद आया कि अच्छा लोगों को पसंद आने लगा, अब मैं ऐसा क्या बनाऊँ जो कि पिछले वाले से बेहतर हो, तो वो स्ट्रगल आ गया। फिर उसके बाद आया कि मैं ढिंडोरा बना पाऊँगा या नहीं, ढिंडोरा बन गया, लोगों को पसंद आया, फिर एक स्ट्रगल आया कि ताज़ा खबर कर पाऊँगा या नहीं, फिर वो आया, फिर लगा कि ताज़ा खबर season 2 क्या बड़ा हो पाएगा उससे season 1 से। वो ख़त्म ही नहीं होता स्ट्रगल लाइफ में, बस मायने बदलते रहते हैं। आपको बस वो भी नहीं बोलते हॉर्स के ब्लाइंडर्स जो होते हैं, यू जस्ट नीड टू वेयर इट एंड यू कांट लुक एट एनीवन एल्सेस प्लेट। आप दूसरे की थाली में देखने जाओगे कि उसकी लाइफ में क्या सही चीज़ हो रही है तो आपका खाना निकल जाएगा हाथ से। यू जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू हैव एंड यू जस्ट कीप दैट ब्लाइंडर ऑन एंड कीप वॉकिंग इन दैट पाथ। फिर फेलियर, सक्सेस, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ दिस डील दैट यू गेटिंग इनटू। बाकी सब सही है, ऐसे फिर इतने बड़े पन्ने पे एक ही यही सवाल लिखा था छोटा सा। मालकिन वांट्स टू आस्क समथिंग, नहीं शेयर की मालकिन पारुल गुराटी। पहले प्रॉमिस करो मुझे माइक उठा के नहीं मारोगे। नहीं मारूंगा भाई, मुझे दे दो नहीं नहीं मारूंगा। आफ्टर सच अ गुड क्वेश्चन, आई हैव अ वेरी नॉनसेंसिकल क्वेश्चन, बट आई आल्सो थिंक द नेशन वांट्स टू नो या कि आपकी अगली YouTube वीडियो कब आएगी। आउट ऑफ एवरीवन यू आस्क मी दिस, हम भी फैंस हैं यार, कैसे बताऊं, मैं लिख रहा हूँ, आ जाएगी कभी भी। मैं कमिटमेंट से डर रहा हूँ स्पेशली YouTube वीडियो का, क्योंकि YouTube वीडियो एक ऐसी चीज़ है जो अब आने ही वाली है 23 तारीख को। हाँ, वो कैरी ने डाला है उसका एक ट्रेलर, तो एक उसमें आई एम फीचरिंग, बट उसके अलावा व्हाट आई एम राइटिंग फॉर माय चैनल, इट विल टेक अबाउट अ मंथ एंड अ हाफ टू कम। थैंक्स फॉर लेटिंग अस नो। यस, थैंक यू। अपन बात करते हैं बाद में, दुखती रख पर हाथ रख दिया पारुल। चलिए अगला कोई sir, सवाल है किसी का, या मैं अपने सवाल पे बढ़ जाऊं? सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ नहीं नहीं, अब दूसरी लो वालों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना, इधर से हो गया, उधर से हो गया, अब इधर वाला। हाँ हाँ, आप माइक ले लीजिए। जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। ओके,
हेलो सर, आई एम वेरी वेरी ह्यूज फैन ऑफ योर्स. मैंने आपकी वाइंस, सबसे पहले जिसकी भी कॉमेडी वाइंस मैंने देखनी शुरू करी थी वो आपकी थी. वो मैं उस टाइम पे बहुत छोटी थी. अब मेरे को ये पूछना है कि जो आप कंटेंट बनाते हो, इसको इस चीज़ के लिए आपको इनकरेजमेंट कहाँ से मिलती है? जो कंटेंट आपका है, मोटिवेशन. आपने ताज़ा खबर देखा? ताज़ा नहीं. आपने ढिंडोरा देखा? हाँ. मेरे लिए मोटिवेशन वही है. When you watch my work, that's a motivation for me. I have no other motivation to do anything. It's just one thing that the people who have watched me since the beginning, if they still watch my content and if they still look forward to what I'm doing in life, I think that's a win for me. And that is something that drives me and motivates me to do whatever I do in life. Thank you. थैंक यू. वेरी वेरी ह्यूज फैन. अब इस रो से एक सवाल. हाँ, आप पूछिए. देखो, उसके हाथ में माइक आ गया, तो अब अपने पसंदीदा आदमी को जो है वो माइक दे रही है. हेलो सर, आई एम बिग फैन ऑफ यू. थैंक्स भाई. सर, आपके बारे में पढ़ रहा था तो मेरे को पता चला, जब आप बचपन में हकलाते थे तो आपके फूफा जी आपसे एक लाइन बुलवाते थे. YouTube वो रिपीट करना चाहेंगे? कहाँ ले गए यार आप मुझे? ये मैं, आप मुझे वहाँ ले गए, उस दर्दनाक कोने में जीवन के. जी 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 जी. मेरे को डर लग रहा है मैं अभी ना हकला दूं. क्या था? हाँ, मेरे को पता. हाँ, क्या था? नहीं, वो हकलाने का नहीं था, वो तुतलाने का था. जी जी जी. हाँ, वो तुतलाता था मैं, तो मेरे को ड और इनमें बड़ा फर्क पता नहीं था. आपके शायद एक लाइन बुलवाते थे, मैंने लल्लन टॉप के पिछले इंटरव्यू में देखा. हाँ, वो क्या लाइन था? घोड़ा सड़क पर पैर पटक पटक कर दौड़ता है. खैर, अभी तो मैं बोल लेता हूँ, बट थैंक्स, रिवीजन हो गया मेरा. थैंक यू सर. थैंक यू भाई. अच्छा, यूट्यूब से जो OTT का एक ट्रांजिशन हुआ, वो कैसे आपने डिसाइड किया? एक मैं कहीं सुन रहा था, आपने कहा था कि 140 करोड़ का देश है और 20 ही चेहरे हैं, तो नए चेहरे आने चाहिए. तो किस तरह से वो सोचा कि अब जो है, अब इस तरफ बढ़ूंगा, OTT करूंगा, फिल्म करूंगा? यार, वो प्रोसेस था. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पे कंटेंट बनाऊंगा. यूट्यूब आया तो फिर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ढिंडोरा बनाऊंगा, एक वेब सीरीज बनाऊंगा, पहली वेब सीरीज जिसमें मेरे सारे कैरेक्टर्स होंगे. ढिंडोरा आया, फिर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी OTT प्लेटफॉर्म पे, वो भी इंडिया का सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म, उस पर मैं एक शो बनाऊंगा. तो कुछ सोचा ही नहीं जाता, सब कुछ प्रोसेस में हो जाता है, क्योंकि क्लैरिटी मिलती जा रही है लाइफ में कि अब क्या करना है आगे. अल्टीमेट एम है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं बैठूँ ओवर प्राइस्ड पॉपकॉर्न लेके थिएटर में और अपनी पिक्चर देखूँ जनता के साथ. ये एम है लाइफ में. अगले साल पूरा हो रहा है ना? पता नहीं, हो सकता है, नहीं भी हो सकता. मतलब बड़ा ही, ये वो पता ही आपको, बड़ा डाइसी रहता है ये टिल दी वेरी एंड, जब तक होना जाए. पर ये एम है लाइफ में. तो जो भी मेरी ड्राइव है, जो भी मुझे चीज़ बोलती है कि आपको OTT पे एक शो करना चाहिए, आपको YouTube पे एक शो करना चाहिए, आपको फलाना करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, वो सब दिमाग में है और वो सब एक प्रोसेस है जो कि कभी बैठ के नहीं सोचा जाता, क्योंकि मैं इतना दूर का सोच ही नहीं पाता हूँ. मेरे को यही नहीं पता होता मैं आज रात में क्या खाने वाला हूँ, तो वो तो बहुत दूर की बात है. एक एक गोल होना सही है लाइफ में कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये करूँ, लेकिन अगर मैं वही उसी चीज़ को चेस करता रहूँगा, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत देर तक चेस करते रहते हो तो वो स्लिप होने लगती है हाथ से. आप चेस मत करो, आप स्वैग में चलते हुए जाओ उसकी तरफ धीरे धीरे. जब टाइम आएगा तो वो भी थोड़ा आपकी तरफ चलते हुए आएगी. और ये मैं काम की बात कर रहा हूँ और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा. तो थोड़ा आप स्वैग में चलते जाओ, वो चीज़ भी आपकी तरफ आएगी. फिर आप जब सही मौका है तब आप उसको कर लो. मेरे को लगता है हर चीज़ का एक सही टाइम होता है और जब होगा तब हो जाएगा. आपने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली? नहीं, मेरे को बड़ा मलाल है इस बात का, अभी शुरू कर दिए मैंने. वैसे मैं इस चीज़ में आपसे एग्री नहीं करूँगा. गाइज, भुवन की जो वेब सीरीज है ताज़ा खबर, उसका season 1, जिन्होंने नहीं देखी, वो कहानी है कि इनको हर खबर टाइम से पहले मिल जाती है. एक फ़ोन होता है, उसमें खबर आ जाती है और वो वरदान इन्हें एक बूढ़ी अम्मा देती हैं. तो जो सीन जिसमें आपको वरदान मिलता है, वो सीन देखिएगा आप, मतलब वो सीन आपको बहुत कुछ फील करवा देगा. अब मैंने उस सीन के लिए एक ताली बजती है, और देख लीजिएगा, जिसने देखा होगा वो समझ सकता है और भुवन समझ गए. मैं मतलब वो सीन देख के कोई कह नहीं सकता कि आपने एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली. वो सीन करना, मतलब
उस सीन में आंखें आपको बंद भी करनी पड़ती हैं, घिन भी आती है, तरस भी आता है, बहुत सारे इमोशंस, उस सीन के बारे में बताइए कैसे शूट हुआ वो। यार वो हमने एक एक सेट बनाया था, क्योंकि जिनको नहीं पता, जिन्होंने नहीं देखा ताज़ा खबर, मेरे को लगता है अभी इस वीकेंड आपको समय मिले तो आप देख लीजिएगा। वो स्टोरी है एक लड़के की जो कि एक सुलभ शौचालय का नाइट मैनेजर है, तो वो वहाँ बैठता रहता है पूरा दिन, फ़ोन में वीडियोस देखता रहता है, खबरें पढ़ता रहता है। और एक दिन उसी के एक सुलभ शौचालय में एक वृद्ध महिला गिर जाती है, अपने ही फीशीज़ में गिर जाती है वो, तो और कोई उठाता नहीं है उसको, तो ये जाता है और ये उसको उठाता है और वो उनको किसी एक बस स्टॉप पे बिठाता है और पूछता है कि मैंने आपको कभी देखा ही नहीं आसपास, आप आई कहाँ से हो? तो बोलती है कि कोई नहीं आया मेरे को उठाने, इतनी देर से मैं वहाँ थी, सिर्फ तू आया, जा तू हर मोहताजगी से रिहा, तुझे हर चीज़ वक्त से पहले मिल जाएगी। अब उसको समझ नहीं आता ये क्या हुआ, क्यों बोला इन्होंने ऐसा। अगले दिन उसको पता चलता है कि उसको वर्ल्ड में जितनी भी खबरें हो रही हैं वो टाइम से पहले पता चल रही हैं। तो वो जो सीन था पर्टिकुलर, वो एक मतलब वही डिफाइनिंग मोमेंट है पूरे शो का। उस सीन की वजह से सीजन टू आया है, उस सीन की वजह से सीजन टू आया है। तो जब हम वो सीन पढ़ रहे थे तो सबसे पहले दिमाग में यही थॉट आया कि वो जिस फीशीज में गिर रही हैं वो कैसे होने वाली है, असली होने वाली है, क्या होने वाली है। मैं घबरा गया था बहुत, क्योंकि शौचालय जो हमने बनाया था वो इतना डिसीविंग था, क्योंकि वो इतना रियल था। थैंक्स टू तारिक भाई, अगर वो ये देख रहे हैं तो तारिक भाई ने आर्ट किया है पूरा ताज़ा खबर का। तो हमने एक स्टूडियो में शौचालय बनाया था जिसमें बहुत सारे यूरिनल्स थे और बहुत सारे कमोड्स थे, और प्रॉपर एक शौचालय जैसा होता है गंदा सा, वो उस स्टूडियो के अंदर बनाया था। अब भाई साहब रात में कोई आके उस पर काम कर गया, उनको लगा असली है, सुबह शूट शुरू ही नहीं हो रहा। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा यार कोई सही में कर गया यार वहाँ। मैं क्या बात कर रहे हो यार? मैंने सबसे पहले तारिक भाई को बुलाया, मैंने कहा तारिक भाई क्या मजा आ गया यार, आपने क्या काम कर दिया। फिर उसको टाइम लगा साफ करने में, वो शौचालय को काफ़ी समय लगा साफ करने में। मेरा सबसे बड़ा डर था वहीं हो गया वो, कि अगर कोई सही में कुछ ऐसा हो गया। फिर हमने जैसा भी उस सीन को शूट किया, लेकिन वो सीन शूट करने में ही एटमोसफेयर ही वैसा था वहाँ पे कि इट एक्चुअली लुक लाइक अ शौचालय। तो नेचुरली वो फेस पे डिस्गस्ट आता है, वो नेचुरली आप किसी को उठाते हैं। Exactly. और हमने उनको बोला था, हमने जो हमारी जो वो एक्ट्रेस हैं उनको हमने बोला था कि एक उनको ये लग रहा था कि मैं कैसे, क्योंकि हमने उनको बोला था कि आप जो ये कैरेक्टर प्ले कर रही हैं वो बड़ी डिसओरिएंटेड हैं, वो बेहोश होकर गिरी हुई हैं, आपको उठ के, क्योंकि मैं अपनी दादी के साथ बड़ा हुआ हूँ, मेरी दादी ने मुझे पाला है, तो दादी जब मुझे पकड़ती थी तो उनके नाखून मेरे यहाँ घुस जाते थे जब वो मुझे पकड़ के उठती थी। तो मैंने कहा आप वही कीजिए मेरे साथ। तो कह रही नहीं नहीं तुम्हें लग जाएगी। मैंने कहा नहीं नहीं आप कीजिए ना, आप करेंगी तो मेरा वो एक्सप्रेशन आएगा तब जाके वो शॉट सही बन के आएगा, बिंदास कीजिए। मैंने कहा सेवलॉन डेटॉल है सब। तो फिर वो हुआ सीन और वो बड़ा मजेदार निकल गया सीन। क्या बात है, तो नाखून भी चुभवाए तो ताली बजती है भाई इसके लिए। अच्छा आजकल एक वर्ड बड़ा प्रचलित है, हालांकि आप कंटेंट क्रिएटर हैं, एक्टर हैं, इन्फ्लुएंसर, हाउ आई सी दिस। हाँ मतलब क्या इन्फ्लुएंसर्स किसी को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं? What is your take on करते होंगे यार, मेरे को तो पता नहीं, क्योंकि मेरे को जब बुलाते थे इन्फ्लुएंसर पहले तब मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि मैं क्या इन्फ्लुएंस करूँ, मैं अभी उस एज में हूँ जब मैं इजीली इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ किसी भी चीज़ से, तो मैं क्या इन्फ्लुएंस करूँगा। इट्स अ वेरी ओवर यूज टर्म एंड उसके मायने बदल चुके हैं, अब तो बहुत बदल चुके हैं। बट पहले इन्फ्लुएंसर बोलते थे कि आप कैमरा पे आएँ, आप दो बढ़िया बातें करें, 10 लोग बोले कि हाँ हम भी ये ट्राई करते हैं। अब सिर्फ ब्रांड डील्स तक ही रह गई वो बात, तो मेरे को लगता है वो ठीक है। अब जैसे जैसे इंटरनेट का रेवोल्यूशन हो रहा है वैसे वैसे ये भी चीज़ें हैं, बट मज़े की बात यह कि ऑडियंस इज़ ऑल्सो गेटिंग स्मार्टर डे बाई डे, तो दे नो हु इज़ जेन्युइनली क्रिएटिंग कॉन्टेंट एंड हु इज़ जस्ट डूइंग इट फॉर मनी और वॉट एवर। राइट। अच्छा अभी हमने देखा कि बहुत सारे, एक ट्रेंड ये भी चल गया कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो हैं दे आर कमिंग इन टू फिल्म, ठीक है, उससे एक आपको प्रमोशन के वक्त में एक पीक मिलता है कि भाई हाँ ठीक है फलाना इन्फ्लुएंसर इस पिक्चर में है, इस ट्रेलर को इतने व्यूज मिल गए और वैसा हो गया, बट थिएटर में ऑडियंस हमने नहीं देखा उन फिल्मों के लिए जाते हुए। तो हाउ यू सी दिस ट्रेंड कि
इन्फ्लुएंस, अगर एक्टिंग आती है तो ही काम बनेगा, या इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो कुछ भला कर सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री का? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं. मतलब देखिए, जो टैलेंटेड है वो आगे जाएगा ही जाएगा, उसको कोई फोर्स नहीं रोक सकती. और हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो आपके उस टैलेंट को एम्पलीफाई करते हैं. अब जो लोग किसी शो में, किसी मूवी में पैसे लगा रहे हैं, अब उनके ऊपर है उनको किसको कास्ट करना है. उनको या तो एक्टर कास्ट करने हैं, या तो उनको ऐसे लोग कास्ट करने हैं जो फॉलोअर्स लेके आते हैं आपके लिए. पर मुझे ऐसा लगता है कि जो केवल फॉलोइंग के बेसिस पे कास्टिंग हो जाती है, वो सिनेमा नहीं बनाना चाह रहे, वो अपने लगाए हुए पैसे रिकवर करना चाह रहे कि लोग आ जाएं देखने और वो रिकवर हो जाए. पर ये भी एक एस्पेक्ट है. पर मेजॉरिटी जो होता है वो यही होता है कि आप आइए, 3-4 राउंड्स होते हैं, जितने भी होते हैं ऑडिशंस आप क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद रीडिंग होगी, फिर को-स्टार्स के साथ रीडिंग होगी. अब जब सब कुछ सही बैठा फिर शूट होगा. वर्कशॉप्स होती हैं, एक्टिंग वर्कशॉप्स होती है. तो मेरे को लगता है ये जो हम बात कर रहे हैं अभी वो इक्का दुक्का परसेंट है, बट बाकी तो इट्स ओनली अबाउट मेरिट. आप अगर सही काम, अगर जेन्युइनली टैलेंटेड है तो फिर आप कुछ भी कीजिए, कोई रोक ही नहीं सकता. आपका फेवरेट कॉन्टेंट क्रिएटर कौन है? मेरा फेवरेट कॉन्टेंट क्रिएटर अपार्ट फ्रॉम भुवन बाम, मेरा फेवरेट कॉन्टेंट क्रिएटर है, एक ग्रुप है, ड्यूट परफेक्ट उनका चैनल है यूट्यूब पे. तो वो वहाँ का क्या बोलते हैं, डेयर डेविल टाइप लोग हैं. वो बड़ी एक्साइटिंग चीज़ें करते हैं. वो कोशिश करते हैं कि यहाँ से एक गोल रिंग लेके मैं इस कैमरा पे मार दूँ और कैमरा के अंदर फिट हो जाए वो. तो वो ये सब करते हैं, और जो उनका मेन टेक होता है वो फिर फाइनल वीडियो में आता है. तो बड़ा एक्साइटिंग प्रोसेस है, वो पसंद है. ताज़ा खबर का तीसरा सीजन कब तक? ये तो प्लेटफॉर्म बताएगा यार, मैं तो काम करके निकल लिया अभी. अभी वो बताएंगे. आप बनाओगे तभी तो वो बताएगा. नहीं नहीं, पहले वो बताएंगे. अच्छा, पहले वो बताएंगे. पहले वो बताएंगे कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं, फिर अपन करेंगे. तो आगे सबसे लेटेस्ट क्या आने वाला है? लेटेस्ट क्या आने वाला है? अभी तो मैं फिलहाल ढिंडोरा सीजन 2 लिख रहा हूँ, और उसमें थोड़ा समय लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी ताज़ा से निकला हूँ. और वो निकल के, वो उसका एक डोमिनो इफेक्ट है, वो निकला हूँ तो उसी के ख्याल हैं अभी दिमाग में, उसी की चीज़ें हैं. अभी ढिंडोरा में आने में थोड़ा समय लगा मुझे, बट अब मैं पूरा घुस चुका हूँ उसमें. अच्छा, आखिरी सीजन 2 में आपका फेवरेट सीन कौन सा था? ताज़ा खबर सीजन 2 में. ताज़ा खबर सीजन 2 में फेवरेट सीन आपका फेवरेट सीन कौन सा था? यार, जो मेरी और जावेद जाफरी सर की जो लड़ाई होती है, वो प्रॉपर एक्शन सीन जो हमने शूट किया है. क्योंकि मजे की बात यह है कि वो जो लड़ाई होती है वो स्क्रिप्ट में थी, वो फिनाले एपिसोड है, वो लास्ट एपिसोड की लड़ाई है वो. लेकिन उस लड़ाई से हमने शूट शुरू किया, तो शुरू के 10 दिन हमने सिर्फ लड़ाई करी. और जावेद सर की फिटनेस देख के मैं घबरा गया, कितने फिट हैं. मैंने उनको पीछे से एक सीन में, एक लड़ाई में मैंने उनको पीछे से पकड़ा, मेरे को ऐसा लगा मैंने पत्थर पकड़ा हुआ है. एकदम इन शेप, टाइट बॉडी, मस्त एकदम. तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर कुछ टिप्स दें आप. तो फिर सरों में बैठे, सर ने मुझे बताई 3-4 चीज़ें, बढ़िया बढ़िया, कितना डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में. तो वो एक सीन था जिसमें मुझे बड़ा मज़ा आया सर के साथ. वो शायद वो इकलौता ऐसा टाइम था जब हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया साथ में. लास्ट इस चीज़ से क्लोज करना चाहूँगा. भुवन, आपके जितने इंटरव्यूज़ हम देखते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं आपके, उनमें एक कॉमेंट बड़ा कॉमन होता है कि यूर सक्सेस फील्स पर्सनल. किस किस को लगता है कि भुवन बाम की सक्सेस उसे अपनी सक्सेस लगती है? दैट्स वेरी स्वीट ऑफ पीपल टू से. क्योंकि आप हमारे ही बीच में से निकले हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस बहुत से लोगों को पर्सनल लगती है. एंड कीप मेकिंग अस प्राउड. थैंक यू भाई, थैंक यू. मेकिंग इम्पैक्ट. और हर साल ऐसा हो कि कुछ कुछ आए और हम बैठें और बातचीत करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच. थैंक यू.